गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है? कल तक तो बेचारी को सिर्फ बुखार था और आज सर भी दर्द कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, अभी तो शुरुआत है। अगले 3-4 दिनों में खांसी और सर्दी भी होगा और धीरे धीरे कमजोर पड़ेगी। तुम्हारी सारी एनर्जी को खत्म कर दूंगा मैं और अपने साथ एक अलग दुनिया में लेकर जाऊंगा तुझे। मैं कोरोना हूँ, मुझे पहचान। और इस वक्त तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, तुम्हारे मरने तक तुम्हारे साथ मैं जरूर रहूंगा। काश तुम होती आज माँ। अकेले पड़े पड़े बोर हो रही हो, नींद भी नहीं आ रही है। तेरे सारे अपने ही तुमसे दूरी बनाए बैठे। बहुत जालिम हूं ना मैं? हाँ, तेरे अपनों को ही तुमसे अलग कर दिया। बस कुछ दिन और। तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? क्यों नहीं चैन से रहने देते हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। क्या हुआ छोटी? क्या हुआ बेटा? कोई ब्रश अपना देखा क्या? क्या हुआ सोते, क्यों नहीं तेरे से बाबू जग गई? क्यों बोल रहे ऐसे? छोटी सोने की कोशिश करो ना। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। छोटी नाश्ता। अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, देख लिया मेरा पावर, कितने डरे हुए हैं सब। पास आना तो छोड़, कोई तुमसे बात तक नहीं कर रहा। लेकिन तू टेंशन मत ले, धीरे धीरे सबको मैं तेरे पास कोरोना लू पहुंचा दूंगा। बस एक बार इन लोगों को तेरे पास तो आने दे। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं जीना चाहती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ मेरी जिंदगी से दूर। बस 3 दिन
जिस बात का डर था, भय था, वही स्थिति इस वक्त। कोरोना संक्रमण पर आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी है। 14 से 18 मई के बीच भारत में आ सकता है कोरोना का पीक। बड़ी खबर है ये। पीक के दौरान 38 से 48 लाख तक हो सकता है एक्टिव मरीजों की संख्या, रिपोर्ट में ये कहा गया है। और यकीन मानिए, लैंसेट की जो रिपोर्ट कह रही थी, लैंसेट की रिपोर्ट कहती थी कि 2300 के आंकड़े आएंगे जून में। हम सारे रिपोर्ट्स को तोड़ रहे हैं। आज मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अरे रोती क्यों है पगली? मैं हूं ना तेरा हम सफर, दोनों साथ साथ रहेंगे। ओह माया छोड़ और चलने की तैयारी कर। जिंदगी से और ज्यादा नहीं लड़ सकती तू। समय नजदीक आ गया है तेरा। चल मिलते हैं, बस 2 दिन और है। सोच रहा था इस अंतिम क्षण में तुझे तेरे मरने का कारण पता ही दूं, जो कि एक राज है। पहले बताता तो शायद तू मुझसे लड़ लेती, लेकिन अब तो इतनी देर हो चुकी है कि तू कुछ भी नहीं कर सकती। ध्यान से देख मुझे, मैं तेरी ही परछाई हूँ और डर भी हूँ। धीरे धीरे मैंने तुम्हें ही तुम्हारा दुश्मन बना दिया। तू मेरी वजह से नहीं, खुद की डर के वजह से मरेगी। धीरे धीरे मैंने तेरे जीने की इच्छा खत्म कर दी। तुम्हारे मन में जीने की आत्मविश्वास पैदा करने वाली शक्तियों को मैंने कमजोर कर दिया और इसी वजह से मरेगी तू। मेरे लेबोरेटरी में और भी प्रयोग चल रहा है। तुझे तो इतना वक्त भी मिल गया, लेकिन आने वाले समय में इतना भी वक्त नहीं मिलेगा। बेटा जा, जरा छोटी को देख लो। पापा, छोटी। क्या हुआ इंद्रजीत? क्या हुआ पापा? ये क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा ना। इस तरह खुद को कमजोर पड़ता नहीं देख सकती। मैं जीना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब कोरोना से मैं खुद लड़ूंगी। अपने ऊपर कोरोना को कभी हावी नहीं होने दूंगी। अपने कमजोर पड़ता आत्मविश्वास को जोश से भर दूंगी। मैं मन की शक्तियों को फिर से जागृत करूंगी।
इसके लिए आज की तरह मैं रोज एक्सरसाइज करूंगी, योगा करूंगी, टाइम पर खाना और दवाई खाऊंगी। अपनी माँ की बेटी हूँ मैं, और मेरे अंदर ये हिम्मत मुझे मेरी मम्मी से मिला है। भले ही आज मम्मी हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन खुद से लड़ने की प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिली है। कैसे भूल सकती उन दिनों को जब मम्मी बीमार रहते हुए भी खुद से आखिरी दम तक लड़ती रही। उतने बुरे दिनों में होने के बावजूद भी उन्होंने जीने की तमन्ना कभी नहीं छोड़ी, तो फिर मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मम्मी तो अब रही नहीं, इसलिए मुझे अब आप लोगों की हिम्मत की जरूरत है। बस आप लोग मानसिक रूप से मुझे अलग और अकेले होने का एहसास मत दिलाइए। मानती हूँ कि इस बीमारी में डरना जरूरी है, दूर रहना जरूरी है और मजबूरी भी है, पर दूर रहकर भी तो हौसला दे सकते हैं, जीने की प्रेरणा दे सकते हैं, संतावना दे सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक इसके द्वारा पैदा किया हुआ डर है, जो हमें मौत के मुंह तक ले जाती है। अकेलेपन का फायदा उठाकर ये हम जैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर हावी होता है। न्यूज की आवाज जब हमारे कानों में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि अब नहीं बचूंगी, बहुत घबराहट होती है। जितना बोलना था मैंने बोल दिया, अब और ज्यादा नहीं बोल सकती। हमें माफ कर दीजिए छोटी, अब इस लड़ाई में हम लोग सब साथ हैं। हाँ बेटा, इंसान अगर चाहे तो कुछ भी संभव है। फिर ये कोरोना क्या चीज है? अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब मिलकर यह कोरोना को हराएंगे। नमस्कार, मैं खुशबू प्रभात, मोदी केयर और नवग्रह एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। साथ ही साथ हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ऑल प्योर हैंड सैनिटाइजर और सॉफ्ट वॉश सॉफ्ट से दे अपने और अपने परिवार को 99.9% जर्म से छुटकारा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।